नमस्कार, बधिरों के समाचार में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रजनी कालराजी। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद बाबा साकार हरि मौके से फरार हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि बाबा साकार हरि हादसे के बाद अपनी कार से भाग गया। हादसे वाली जगह से भागने के लिए बाबा ने अपनी पिंक आर्मी और प्राइवेट आर्मी की मदद ली थी। फिलहाल यूपी के कई जिलों में बाबा की तलाश चल रही है। झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव होने जा रहा है। हेमंत सोरेन आज ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम के करीब 5 बजे राजभवन में होगा। राजभवन के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले सुबह हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सोरेन ने 5 महीने पहले गिरफ्तारी के वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार में पुलों के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पिछले 16 दिनों में अलग अलग जिलों में 10 पुल गिर चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 5 पुल टूटकर गिर गए हैं। सिवान के महाराजगंज में 3 पुल धराशायी हो गए। गंडकी नदी पर बने 2 पुल गिर गए। वहीं धमही नदी पर भी बना एक पुल टूट गया। अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सभी पुल के ऑडिट की मांग की जा रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा भेजा, कहा मैंने अपना वचन निभाया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान और भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर विश्व विजेता भारतीय टीम का स्वागत किया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से होटल गई। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद सारे खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी पहनकर और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी और उनके साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाई। तो बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News।